से आपको ऐसे करके उसको यहाँ पे एक छोटी सी नोट बांध देनी है मजबूत वाली, जो बाद में निकलवा जाए। ऐसे करके जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है उनको काट लेना है। वहां पे हमें ग्लू लगा देना है, ये फेविकोल आता है, ये ग्लू लगा देना है आपको। जिससे ये डोर बाहर से ऐसे खराब ना दिखे, चिपक जाए अच्छे से। ठीक है, कौन कौन हमारे साथ ये डोरी बना रहा है? ओके, करण, कुशल, आप लोग है ना? आपके आप भी अपने फ्रेंड के लिए ऐसे फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हो। फिर ये पकड़ के यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी पार्ट होता है हमको निकाल लेना है, जिससे हमारा फ्रेंडशिप बैंड अच्छे से दिखे। फिर हम इससे ऐसे तीन पार्ट लेके यहाँ पे घूमते ऐसे ही, जैसे नॉर्मल चोटी बनाते हैं वैसे ही हमको यहाँ से ये पार्ट ऐसे लेके बनाना है। आप देख सकते हो कि ये अच्छे से विजिबल है आप लोगों के लिए, ऐसे ही बनाना है आपको। ऐसे ही घूमते रहना है जितनी आपके हैंड की साइज हो। मीन्स नॉर्मली हम हैंड में बांधते हैं कलाई पे, तो कलाई की जितनी साइज हो उससे थोड़ा बड़ा साइज रख के हम उतनी ये घूम देंगे। देखो आपको दिख रहा होगा कि कितना डेकोरेटिव और अच्छा लग रहा है ये। ये नॉर्मल लड़कियों को ज्यादा पसंद आता है ऐसा वाला। और ये सब क्रिएटिव चीजें बनाने में लड़कियां बहुत माहिर होती है।
देखो अप्रोक्स कितना बन गया है हमारा, थोड़ा और घूमेंगे से हमें माप ले लेना है कि हमारी कलाई की किस हिसाब से हम बना रहे हैं, वो हमें माप लेना है नॉर्मली, जिससे आइडिया आएगा कि इतनी बड़ी हमें बनानी है फ्रेंडशिप एंड। देखो हमारी ये फ्रेंडशिप बैंड रेडी हो चुकी है। देखो ये साइज नॉर्मली हमारे हैंड से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखो मेरे हैंड में इतनी ही आ रही है, तो थोड़ा बड़ा होगा तो हम नोट बांध पाएंगे। इसे चेक कर लेना है, अगर हम किसके लिए बना रहे हैं आपको आइडिया हो तो हम आप ले सकते हैं, आप थोड़ा बड़ा बना दीजिए। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा रेडी हो ही चुका है फ्रेंडशिप एंड। फिर यहाँ पे हम फिर से एक थ्रेड रोल में से थ्रेड ले लेंगे और यहाँ पे बांध देंगे टाइटली, जिससे क्या है कि ये सारी चोटियां खून आ जाए। यहाँ से डोर लेके टाइट नॉट लगा देनी है, जिससे ये सारे बना हुआ खुल ना जाए हमारा। दो तीन ज्यादा नोट लगा देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। ऐसे ही और एक्स्ट्रा जो शेड है हम उसको निकाल देंगे पेंसिल की मदद से। तो देखो हमारा इतना सारा एकदम मस्त वाला प्यारा सा एक फ्रेंडशिप पेंट टोटली रेडी हो ही चुका है, और एक्स्ट्रा जो ये ट्रेड्स दिख रहे हैं कटे हुए हम उसको फेविकोल की मदद से चिपका देंगे, जो खराब ना लगे। उसको टाइम लगता है सूखने में, पर सूखने के बाद ये अच्छे से चिपक जाएगा और दिखेगा हमें ये कि हमने यहाँ पे ग्लू लगाया था। ओके और एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो यहाँ से हम काट लेंगे। तो हमारा एक ये वाला फ्रेंडशिप बैंड रेडी हो चुका है, और एक और हम फ्रेंडशिप बैंड बनाएंगे।
जो एकदम सिंपल सा होगा और डेकोरेटिव होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा नोट वाला फ्रेंडशिप बैंड है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, ऐसा सिंपल सा फ्रेंडशिप बैंड भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम या तो मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, या तो फ्रेंड्स वाला भी स्टिकर वगैरह आता है वो यहाँ पे चिपका के फ्रेंड भी चिपका सकते हैं, और नॉर्मल ऐसे धागे वाला भी हम बांध सकते हैं फ्रेंड। तो हमारा एक रेडी हो चुका है, एक सिंपल सा अच्छा वाला। एक थ्रेड का हम दूसरा फ्रेंडशिप बैंड बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे वो भी दिखा देती हूँ। उसमें क्या है कि हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में एक यहाँ पे नोट लगानी है छोटी सी, सिंपल सी नोट लगानी है में। वही हमें हैंड के बीचों बीच जो पार्ट आता है मीन्स अप्रोक्स माप ले लेंगे थोड़ा सा ऐसे, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे बीचों बीच आता है थोड़ा सा यहाँ पे आता है। ओके, तो वहां पे एक नोट लगा लेंगे हम। सिंपल सी नोट लगानी है दूसरी, सेम टू सेम उसके बाजू में ही दूसरी नोट लगानी है हमको। हमको ध्यान रखना है कि उसका माप उसके बाजू में ही ऐसे आए परफेक्टली। दूसरी नोट हमने यहाँ पे लगाई। अब चाहो तो इन दोनों के बीच में एक मोती भी लगा सकते हो, और ना लगाओ तो भी ऐसी रंगीन थ्रेड होती है तो वैसे भी सिंपल सा अच्छा ही लगता है। फिर तीसरी थ्रेड यहाँ पे लेके ये तीन बना सकते हैं, यहाँ पे नोट बांध सकते हैं। देखो ये बीचों बीच आ जाएगा हमारा पार्ट सिंपल सा। ओके, ये बीचों बीच आ रहा है तो ऐसे हम रखेंगे और यहाँ पे माप ले लेंगे, और यहाँ पे जो आ रहा है पार्ट वहां पे एक और नोट लगा देंगे। ऐसे माप लेके ही आपको नोट लगानी है, जिससे क्या है कि वो जो पार्ट है नोट वाला वो तीनों ही बीच में आए। सिंपल सी ये नोट वाली, और ये एक्स्ट्रा पार्ट है हमको निकाल देना। तो ये हमारी सिंपल सी नोट, तीन नोट वाली मीन्स ऐसे बना सकते हैं। देखो ऐसे रख के भी हम देखेंगे तो भी आपको आइडिया आएगा कि कितनी अच्छी दिख रही है ये फ्रेंडशिप बैंड, सिंपल और बहुत ही अच्छी दिख रही है ना आप सबको। तो ऐसी भी सिंपल वाली नोट बना सकते हैं, और अगर हम नोट बना रहे हैं तो अगर आपके फ्रेंड्स दो तीन हो, तीन फ्रेंड्स हैं आपके, तो आप तीन नोट बनाओ, तीनों ही सेम सिंपल तीन नोट वाली फ्रेंडशिप बैंड पहनो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये तीन फ्रेंड है वो क्लोज फ्रेंड है, और तीनों ने ही तीन नोट वाली एक फ्रेंडशिप बैंड पहनी हुई है। ओके, उस आइडिया से भी ये नोट वाली फ्रेंडशिप बैंड आप एक दूसरे फ्रेंड को पहना सकते हो, अपने जो आपके क्लोज फ्रेंड है। देखो ये एक अच्छी वाली आ गई, एक ये वाली आ गई, और एक मैं मस्त वाली सिंपल सी दूसरी एक फ्रेंडशिप बैंड बनाने के सिखाती हूँ आपको, कि जो बहुत ही सिंपल है और अच्छी दिखती है। आपको ऐसे लेना है तीन डोरिया। ऐसे तीन डोरी ले ले रही है, और नॉर्मल हैंड का माप लेके मीन्स हमारा जो नॉर्मल हैंड का माप होता है, अगर छोटा बच्चा है या बड़ा है वो हमको देख लेना है कि किस हिसाब से हम बना रहे हैं,
मीन्स जैसे मेरा हाथ है ये, ऐसे मेरी साइज है, तो मुझे लग रहा है कि इतनी नोट वाली मुझे चल जाएगी। ओके, अप्रोक्सीमेटली इतनी। तो हमें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल के ले लेना है। मीन्स ये ग्रीन वाली जो डोरी है, उत्तर पार्ट वाला ये साइज तीनों का होना चाहिए। ओके, ये लेना है और काट लेना है। देखो सिंपल सी तीन डोरिया है, इसको कुछ भी नहीं करना है हमको। यहाँ पे लेना है और एक थ्रेड लेना है। मैंने ये कलर का थ्रेड इसीलिए लिया हुआ है कि बांधने के बाद दिखे नहीं, जो डोरी से मैचिंग हो तो वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे हमको बांध देना आपको। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये टाइट हो, लूज ना हो। अगर लूज होगा तो निकल जाएगा, तीनों रोल एक साथ नहीं रह पाएगी। मजबूत नोट बांध लेनी है उसपे। तो हमने ये दो नोट बांध दी है, और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड का पार्ट है हमको सीजर से काट देना है, और सेम प्रोसेस हमको वहां पे ग्लू लगा देना है। यहाँ पे हमको ग्लू लगा देना है जिससे सारे डोर चिप जाएंगे। पता ही नहीं कि हमने वहां पे किया क्या है, छुपाने का ये एक राज है डोर को। ये सूख जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि हमने ग्लू लगाया हुआ है यहाँ पे। और सेम वही नोट यहाँ पे हमको तीन पार्ट, जहाँ पे यहाँ पे लगाया एक पार्ट जहाँ पे स्टार्टिंग बेस है, तो जहाँ पे ये डोर सारी खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, तो यहाँ पे भी इतना माप लेके हमको वहां पे भी नोट लगा देनी है डोरी से, टाइट नोट। ओके, तो सही करना है। हम एक और नोट बांधेंगे एकदम टाइट। फिर एक्स्ट्रा थ्रेड निकाल लेंगे, ग्लू लगाएंगे, सेम प्रोसेस।
आप ग्लो थोड़ा ज्यादा भी लगा रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो दिखता नहीं है सूखने के बाद। देखो ये सिंपल ऐसे वाले बना दिया है हमने, और ऐसे ही हमको नॉर्मल रेडी हो चुका है हमारा एक ये वाला फ्रेंडशिप है, एक नोट वाला फ्रेंडशिप है सिंपल सा, और एक छोटा सा गुंथा हुआ फ्रेंडशिप है। हमने आज 3 टाइप के फ्रेंडशिप बैंड बनाए, किस किस को लोगों को ये इजीली बन जाता है। ये भी सिंपल सा ही है, ये भी एक सिंपल सा ही फ्रेंडशिप बैंड है, और ये तीनों डोर साथ में रखी हुई ऐसे करके हम बांध सकते हैं फ्रेंड्स को। कितना अच्छा दिख रहा है ना ऐसे करके। तो आज हमारा फ्रेंडशिप डे बैंड बनाने का ये नया लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा फ्रेंडशिप बैंड बना हुआ है, जो इजीली कोई भी बना सकता है। ये फटाफट से बनता है, कम कॉस्ट है इसकी, और वो कॉस्ट का तो कुछ भी नहीं होता एक्चुअली। जो बनाने वाला जो होता है, जिस भाव से बनाता है फ्रेंड के लिए, वो इम्पोर्टेंट चीज होती है। वो कैसे बना के आपको किस भाव से दे रहा है, उसको लग रहा है कि आप ही उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तभी वो इतना ट्राई कर रहा है। उसने खुद से बनाया है, वो आपको पहनाने भी आता है। तो एक फ्रेंड्स के मुताबिक आपको फ्रेंड्स को हर टाइम पे मुसीबत में भी हेल्प करनी चाहिए। फ्रेंडशिप डे का मतलब ही यही होता है। नॉर्मली हम फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, तो उसके बाद हमें वो ध्यान रखना है कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो आगे से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे प्रॉब्लम में मदद करें उसको। ओके, तो आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर? ऐसे ही हम आगे लेक्चर लेते रहेंगे, जिसमें नई नई चीजें आपको बनाने के साथ साथ उसका महत्व क्या होता है, मीन्स उसके पीछे का वो मतलब होता है कि हम फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, तो वो फ्रेंडशिप डे क्यों मनाया जाता है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। नॉर्मली हम बनाते हैं फिर बस इतना ही नहीं होता, उसके पीछे का एक रीजन होता है। ठीक है, तो आपको नई नई चीजें सीखने मिलेगी, वैसे ही आप अपने भी जो फ्रेंडशिप डे आ रहा है, तो बच्चों आप लोग भी अपना फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हो नए नए हिसाब से, और स्टूडेंटिंग पे पोस्ट कर सकते हो, जिससे हमें भी पता चले कि आपने हमारे लेक्चर से कैसे नया बैंड मीन्स फ्रेंडशिप डे बैंड बनाया है और कैसे डाला है, तो हम भी पता चले कि हमारे जो कनेक्शंस में स्टूडेंट्स ऐसे फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हैं और ये हमसे भी अच्छा बना सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।